हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पहाड़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहेंगे। और उसके बाद होता है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई पूरी संख्याओं को, सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है, परिभाषा पे ज़्यादा फोकस ना करके हम लोग इसको सीखते हैं किस प्रकार से इसको निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एकदम बेसिक से मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, जैसे दिया है, पूछा है कि 12, 18, 24, 60 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकाला जाए, इसको हमको सीखना है। कोई भी संख्या लेके हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जब दिया रहे आपके पास, कोई भी संख्या दिया रहे और आपसे कहे कि इसका एलसीएम निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, तो आप करिए क्या, आप करेंगे क्या, संख्या को आप इस प्रकार से लिखेंगे और इसका फैक्टराइजेशन मतलब इसका गुणनखंड जो होता है उसको आप लिखेंगे, इसका गुणनखंड आप लिखेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2×2×3। और यदि आप ये गुणनखंड अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए इस प्रकार से ये आपका 12 दिया है ना, 12, तो इसका आप इस प्रकार से करिए। यदि आपसे ऐसे अपने से नहीं हो पा रहा है तो आप इस प्रकार से करिए। इस प्रकार से करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बना के उसके बाद आप छोटी से छोटी संख्याओं से क्रम से बड़ी संख्याओं की तरफ काटते हुए आप जाएंगे। आवश्यकता अनुसार आप संख्या को चूज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक से काटेंगे तो 12 ही आ जाएगा, तो हम 2 से काट रहे हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2×6 = 12, ये 2 बार गया, 6 बार गया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं 6 है, ये अभी 2 से कटेगा, जब तक इस संख्या से वो कटेगा तब तक उसी संख्या से काटते हुए जाएंगे। जब उस संख्या से नहीं कटेगा तो क्रम से उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या आप लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, अभी 2 से और कटेगा, इसको 2 से आप काटेंगे तो 2×3 = 6, अब ये 3 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए आप 3 से काट दीजिए, तो 3×3 = 3, ये तब तक काटते हुए जाएंगे जब तक कि यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यही चीज़, 2×3 = 2×2×3, आप देखेंगे 12 का खंड जो है 2×2×3 आया है, वही जो यहाँ से है। इसको आप ऐसे अगर अपने से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं आप तो इस प्रकार से बना के आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, फिर इसी प्रकार से आप, चलिए 18 का हम लोग कर लिया जाए। 18 का हम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे, इसको फिर देखेंगे कि ये 2 से काटना स्टार्ट करते हैं हम, तो 2 से कट रहा है देख रहे हैं, तो 2 से काटेंगे 2×9 = 18, फिर इसको आप देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, तब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3×3 = 9, फिर आप देखेंगे 3 से कटेगा 3×9, अब यहाँ 1 आ गया, तो आप इसके जो आगे बचा इसको गुणे के रूप में लिख देंगे तो आप यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 18 था, 18 का आपने क्या निकाला है, 2×3×3। ठीक है, इसी प्रकार से सभी का जो है गुणनखंड कर करके आप इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए 24 है इसका, हम देखते हैं 24 का भी हम निकाल लेते हैं, तो इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो आप 24 के सामने लिखिए जितना उसके गुणनखंड हुए, 24 है, अब इसके सामने कितना इसके गुणनखंड हुआ, 2×2×2×3। ठीक है, अब आगे 60 दिया, उसका भी आप कर लीजिए इसी प्रकार से, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा पुनः, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा पुनः, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 15 आ गया, ये 15 आप देखेंगे 2 से बड़ी 3, 3 से हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3×5 = 15, 5 आ गया, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5×5 = 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि 60 का जो है आपका गुणनखंड 2×2×3×5 है। ठीक है, आप यदि ये गुणनखंड अपने से लिख सकते हैं तो आपको ये सारा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन तो हम आपको जीरो से बता रहे हैं, इसलिए ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि इसी प्रकार से करके ये सब लिखा जाता है। आप जब बहुत सारा कर लेंगे, एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट संख्या के सामने इस तरह से तुरंत अपने से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद LCM यदि आपसे पूछे और HCF पूछे, तो LCM पूछेगा तो क्या करेंगे, HCF पूछेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, यदि आपसे HCF पूछे यहाँ पर, इसका HCF क्या होगा, इन सभी का HCF क्या होगा, तो HCF इसके परिभाषा से ही होता है कि वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी के हो, सभी परिवार में जो सभी सदस्य, मतलब कि इन संख्याओं के गुणनखंडों में ऐसा गुणनखंड जो सभी के यहाँ हो, वही गुणनखंड इसका HCF होगा। सभी के यहाँ होने का मतलब कि इसके गुणनखंड में ऐसे कुछ गुणनखंड होंगे जो इसमें, इसके गुणनखंड में भी होंगे, इसके गुणनखंड में भी होंगे, इसके गुणनखंड में भी, और इसके भी गुणनखंड में होंगे, और वो उन्हीं का आपस में आप गुणा कर देंगे, जो कॉमन गुणनखंड होगा सभी के यहाँ, वही उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दो यहाँ पर है, 12 के गुणनखंड में भी दो है, और 18 में भी दो है, 24 में भी दो है, और 60 में भी दो है। तो एक गुणनखंड कॉमन जो सभी के घर है वो हमको मिला, तो उसको आप यहाँ लिख लीजिए, फिर इनटू लगाइए। अब फिर देखिए, इसमें कोई ऐसी और गुणनखंड है जो कि सभी के घर है, तो चलिए तलाश किया जाए। दो आप देख रहे हैं यहाँ है, लेकिन तो इनके यहाँ आप दो ख़त्म हो गया, नहीं इनके यहाँ है, इनके यहाँ है, लेकिन तो यहाँ नहीं, तो इसलिए दो को आप छोड़ देंगे। ऐसा हमको ढूंढना है जो सभी के यहाँ हो, सभी के यहाँ होगा वही जो है कि HCF में लिया जाएगा। तो आप फिर इसमें आगे चलेंगे, ये वाला तो नहीं मिला, छोड़ देंगे हम। अब आगे हम चल रहे हैं तो देखेंगे, यहाँ तीन मिला आपको, 12 वाले गुणनखंडों में आपको तीन मिला, 18 वाले में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको तीन मिल गया, ठीक है। 24 वाले में भी आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ तीन मिल गया, 60 वाले में भी आपको यहाँ तीन मिल गया। मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीन है सभी के यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, मतलब कि चारों परिवार में यह तीन जो है यह है, इसलिए इसको हम तीन को भी उतार लेंगे। अब आगे आप देखना चाहेंगे, देखेंगे हम कि इसमें और कोई संख्या है जो सभी के घर बची है, जो कॉमन है सभी के यहाँ है, तो आप देख पाएंगे तो अब कोई नहीं संख्या ऐसी जो सबके यहाँ पाँच है, तो इसमें कहीं पाँच नहीं है। अब यहाँ एक दो है तो इसमें एक ही दो था, वो चला गया, बचा ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है गुणनखंडों में जो सभी के घर हों, और जो सभी के घर होंगी वही उसका HCF होगा। तो आप पाए हैं यहाँ पर ढूंढ के तीन और दो, दो और तीन पाए हैं जो दो सभी परिवार में है, इसलिए इसका HCF जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। HCF निकालने का तरीका हमने क्या बताया आपको, कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका हम इस तरह से फैक्टराइजेशन रूप में, उसको गुणनखंड के रूप में हम लिख लेंगे, ठीक है। यदि गुणनखंड के रूप में आप अपने से नहीं लिख पाएंगे तो इस प्रकार से करके उसका गुणनखंड फिर आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक, एकदम आराम से हम लोग करते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद हम देखें उसमें तलाश करेंगे ऐसी संख्या का जो सभी के यहाँ हो, सभी मतलब सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, जो सभी गुणनखंडों में कॉमन हो। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दो जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हमने दो को उतार लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा यहाँ आगे चला तो हम देखें दो यहाँ है, लेकिन तो इस घर में अब दो एक चला गया, अब नहीं है, बाकी सब जगह दो था, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसी को तलाश करेंगे जो सभी के घर हो। हम देखेंगे यहाँ तीन हमने देखा, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो तीन को हमने उतार लिया। और ऐसी कोई इसमें संख्या नहीं है कि जो सभी के यहाँ हो कॉमन, हमको कॉमन दो और तीन मिला है, गुड़े कर उसका गुड़ा करके आपस में हम लिख देंगे, जो होगा वही उस संख्याओं का HCF होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका HCF, ठीक। अब आगे हम अगला चीज़ बताएंगे आपको, LCM, ठीक है, इसी से सब निकल जाएगा LCM। चलिए इधर मैं आपको LCM बता देता हूँ, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, ठीक है। तो इसको भी निकालते हैं इसी से एकदम आसानी से, जो सबके यहाँ कॉमन रहता है उसको तो आप यहाँ लिखेंगे ही, उसके बाद जो संख्या बचती है उसका भी आपस में गुणा करके आप लिख देंगे, वही जो होगा सबका गुणनखंड वह हो जाएगा आपका LCM। तो हमने देखा ये दो जो था, ये जो दो था, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये सभी के यहाँ था। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आप देखें यहाँ तीन था, यहाँ तीन था, यहाँ तीन था, और यहाँ तीन था, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो बचा है, ठीक है दोस्तों, इनके यहाँ दो नहीं है लेकिन इनके यहाँ दो है, तब इस दो को भी लिख लेंगे,
ठीक है, इस दो को भी लिख लेंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ इसमें सब हो गया, इसमें एक तीन बचा है और कहीं तीन नहीं बचा है, ठीक है। तो एक तीन और आप उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर तलाश करेंगे और कुछ बचा है, आप देख पा रहे हैं कि एक दो बचा है और एक पाँच बचा है और सारा चीज़ें हो गया। तो दो और पाँच, इन्हीं सभी का आपस में आप गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या है इसका करेंगे, छः छत्तीस, छत्तीस गुणे दस 360, इसका जो एलसीएम आएगा 360 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बताया एलसीएम निकालने के लिए, जो आपका एचसीएफ आता है गुणनखंड, जो संख्याओं का गुणनखंड करते हैं उसके बाद जो एचसीएफ आप निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के बाद जो और गुणनखंड बचे रहते हैं उनको भी हम देखते हैं। इसमें ये किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए कि जो कामन संख्याएं होती हैं उसको एक बार लिखते हैं, जो कामन नहीं होती हैं उनको भी आपस में गुणा कर दिया जाता है। देखिए तो जो कामन था हमने देखा इसमें दो, एक बार इस तरह से यहाँ हमको एक बार कामन मिला, इस दो को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे तो हमको तीन ये कामन मिला यहाँ, एक तीन ये और ये और ये, इसको भी हमने एक बार लिख लिया। अब आगे हम देखेंगे, फिर देखें हमने देखा आगे कि दो यहाँ पे था लेकिन इनके यहाँ नहीं था, लेकिन तो यहाँ था, यहाँ था, तो इसको भी हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा तीन यहाँ था और एक तीन, एक ही तीन था तो उसको हमने लिख लिया। उसके बाद ये आपका दो बचा था और ये पाँच बचा था, इसका भी हमने आपस में गुणा कर दिया। कहने के मतलब एलसीएम निकालने के लिए ये है सिस्टम कि जितने गुणनखंड दिए हैं, ठीक है, उन गुणनखंडों में आप देखेंगे कि जो चीज़ें सभी गुणनखंडों का आपस में मान लीजिए गुणा करना, लेकिन तो शर्त ये इसमें रहेगी कि जो दो बार होगा या तीन बार या सभी क्या होगा उसको एक ही बार आप लिखेंगे, ठीक है, और उसका आपस में गुणा कर लेंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये 360 एलसीएम हो गया और 6 आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया। ये बहुत ही बेसिक एकदम जीरो से हीरो वाली जो बात होती है, एकदम जीरो से स्टार्ट करके मैंने आपको बताया किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है, किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बताया मैंने क्या आपको कि जो क्या मतलब हमने आपको बताया कि जो सभी के यहाँ कामन होती है संख्या, सभी गुणनखंड संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद जो सभी के यहाँ कामन होती है वो आपकी एचसीएफ होती है, और एलसीएम जो सभी के यहाँ कामन होती है वो तो होती ही है, और जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनका भी आपस में गुणा कर दिया जाता है, वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।